जिला बनने के बाद केकड़ी में पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। केकड़ी का पहला जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह पटेल मैदान पर आयोजित हुआ, जिसमें खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। परेड के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर विकास पंचोली ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। आजादी के विगत 76 वर्ष देश का स्वर्णिम काल है, जिसमें भारत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान नेताओं की कुशल नेतृत्व और दूरगामी विजन से सफलता की बुलंदियों को छुआ है, जिनके सिद्धांतों पर चलकर इस देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी और मजबूत हुई। स्वतंत्रता दिवस पर क्षेत्र के लोगों में जोरदार उत्साह देखा गया, जिसके चलते पटेल मैदान खचाखच भरा हुआ था। इसके अलावा आसपास के मकानों की छतों पर भी लोग धूप होने के बावजूद सुबह से ही बैठे हुए नजर आए। इस दौरान लोग केकड़ी के जिला बनने पर एक दूसरे को बधाई देते भी नजर आए। समारोह के दौरान क्षेत्र के लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एवं सरकारी सेवा में उल्लेखनीय सेवा देने वाले 39 अधिकारियों और कर्मचारियों को जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पटेल मैदान में संयुक्त परेड, सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर सबका दिल जीत लिया। समारोह में जिला कलेक्टर खजान सिंह, पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता, पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं विधायक डॉक्टर रघु शर्मा, PCC सदस्य सागर शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, DYSP संजय सिंह चंपावत और तहसीलदार बंटी सिंह सहित जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य मौजूद थे। रामकन्या न्यूज चैनल और रामकन्या पाक्षिक पत्रिका के सभी पाठकों, विज्ञापनदाताओं और रामकन्या परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक बाल मुकुंद वैष्णव, चैनल हेड। आजादी के जश्न, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर केकड़ी जिले के सभी गणमान्य लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु पवन कुमार साहू, अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, वीर सावरकर ग्रामीण मंडल, सरवाड़। नवगठित केकड़ी जिले के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु द्वारका प्रसाद चंदेल, जिला महासचिव, युवा कांग्रेस। केकड़ी जिले के सभी गणमान्य नागरिकों को NSUI की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु प्रणव माथुर, जिला अध्यक्ष, NSUI केकड़ी। केकड़ी जिले के सभी गणमान्य नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु कैलाश मेघवंशी, पूर्व प्रधान। नवगठित केकड़ी जिले के सभी गणमान्य लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु नीलू दूनीवाल, सरपंच, ग्राम पंचायत सराना। स्वतंत्रता दिवस पर उपखंड अधिकारी विकास पंचोली को राजकीय दायित्वों का समयबद्ध निर्वहन एवं नवीन जिला स्थापना के राजकीय दायित्व, महंगाई राहत शिविर में सराहनीय कार्य एवं सरकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक डॉक्टर रघु शर्मा, जिला कलेक्टर खजान सिंह एवं पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता द्वारा प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह सौंपकर सम्मानित किया गया। इसी तरह बसंत कुमार सैनी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका केकड़ी, सुधीर कुमार पाठक, विकास अधिकारी पंचायत समिति सरवाड़, धर्मेंद्र कुमार वर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन बुधराज कुम्हार, अतिरिक्त विकास अधिकारी भिनाय, जितेंद्र जैन, सहायक प्रोग्रामर निर्वाचन कार्यालय केकड़ी, राहुल पारिक, सहायक प्रोग्रामर केकड़ी, सुरेंद्र कुमार बड़ौला, राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी, सुभाष चंद्र मीणा, कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग डॉ मुकेश कुमावत, पंचकर्म विशेषज्ञ सुरेंद्र सिंह सोलंकी, नर्सिंग ऑफिसर केकड़ी अल्ताफ हुसैन, छात्रावास अधीक्षक केकड़ी महेश कुमार पारिक, सहायक लेखा अधिकारी केकड़ी राजेश विजय वर्गीय, सहायक लेखा अधिकारी प्रथम ऐश्वर्या कुमार शर्मा, निजी सहायक टोडा राय सिंह, भूपेंद्र कुमार तोलंबिया, ऑनफिस कानून को केकड़ी अंकुर कुमार मीणा, कनिष्ठ सहायक सावर।
पंकज कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक उपखंड कार्यालय सरवाड़, भरत कुमार शर्मा, पटवारी सावर, दिनेश चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी केकड़ी, देवकरण बैरवा, सहायक विकास अधिकारी सावर, दुर्गेश चौधरी, महिला पर्यवेक्षक केकड़ी, मयंक सिखवाल, कृषि पर्यवेक्षक मेव दाखला, सैयद नाहिद, लैब असिस्टेंट राजकीय जिला चिकित्सालय, श्रीमती पिंकी, सफाई कर्मचारी नगर पालिका केकड़ी, राजा राम, सहायक कर्मचारी, राम बाबू, सफाई कर्मचारी, जगदीश प्रसाद गुर्जर, संदर्भ व्यक्ति शिक्षा विभाग केकड़ी, भेरूलाल मीणा, सहायक कर्मचारी तहसील सावर व शिक्षा के क्षेत्र में, रामेश्वर प्रसाद जारोटिया, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरवाड़ को श्रेष्ठतम कार्यालय कार्य के लिए, कैलाश चंद गोंड, शारीरिक शिक्षक केकड़ी को बेहतर खेल गतिविधियों के संचालन के लिए, राकेश कुमार व्यास प्रधानाध्यापक को ASNA कार्य और बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए, तोताराम चंदेल, शारीरिक शिक्षक को बेहतर खेल गतिविधियों के संचालन के लिए, पप्पूलाल मीणा, वरिष्ठ अध्यापक को उत्कृष्ट विद्यालय संचालन के लिए, श्रीमती अंतिम बाला मंगल, अध्यापक को विद्यालय में बालिका गतिविधियों में योगदान के लिए, वहीं अन्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए, राजेंद्र कुमार सोनी, लायंस क्लब, JP सोनी, पतंजलि योग समिति, हरिराम सोमानी, गौ सेवा समाज सेवा में तत्पर एवं अशोक रंगवानी समाज सेवी को सम्मानित किया गया। नवगठित केकड़ी जिले के सभी गणमान्य नागरिकों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु लक्ष्मी नारायण चौधरी, सरपंच, ग्राम पंचायत सूपा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु मूलचंद खींची, बालाजी कंस्ट्रक्शन, सरवाड़। नवगठित केकड़ी जिले के सभी गणमान्य नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु भंवर लाल जाट, श्री कल्याण कंस्ट्रक्शन, भैरूखेड़ा। केकड़ी जिले के सभी प्रबुद्ध जनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु रामदेव गुर्जर, सरपंच, ग्राम पंचायत गोयला। केकड़ी जिले के सभी गणमान्य लोगों को केशव विद्यापीठ महाविद्यालय केकड़ी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु केदार सामरिया, जिला महासचिव, असंगठित कामगार कांग्रेस। मैं 15 अगस्त आजादी का पर्व आप सब मना रहे हैं, मैं आपके यहाँ के लोग भी विधायक रघु शर्मा जी और केकड़ी की जनता को नया जिला बनने के लिए आजादी के पर्व के दिन बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। बधाई इस बात की कि आज हमारा भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आज केकड़ी के महान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि जब लोकतंत्र में सही फैसला होता है, सही लोगों का चुनाव होता है, तो गांव, खेत, गरीब और खलियान का दर्द समझते हैं, जो केकड़ी की जनता की आवाज को समझते हैं, जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने कस्बे के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए किसी भी हद तक लड़कर मरकर उसको सम्मान दिलाते हैं, ऐसे रघु शर्मा जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे मित्रों पर से नए जिले के कलेक्टर साहब, SP साहब, हमारे यहाँ के ये खुद भी पूर्व मंत्री हैं, अभी गुजरात के प्रभारी हैं, कह रहे थे कि मंत्रियों ने लंबा भाषण करा दिया, हमारे यहाँ के बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैंने रघु जी से कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे यहाँ का बच्चा कल का वो जो वो नौजवान है जो इस तिरंगे के लिए लड़ने और मरने की ताकत रखता है, इसलिए हमारे यहाँ का नौजवान किसी से कमजोर नहीं है। ये केकड़ी की धरती है, ये चार भुजानाथ की, केकड़ा जी, बालाजी की धरती है। तो आप सब तो बड़े सौभाग्य के साथ ही है जब मैं केकड़ी में आया, क्योंकि ये पहला जिला बना है, पहली बार जिला बना है। लेकिन मैं आप सबको बधाई दूंगा, जिला अस्पताल यहाँ पहले से ही बन गया, ये बहुत बड़ी बात है। जिला अस्पताल पहले बन गया,
क्योंकि डॉक्टर गोगे मेरे को जयपुर में आवाज सुनाई देती थी। लोग रघु जी को कहते थे कि कोरोना हो गया तो उनको यहाँ शिफ्ट किया जाता था और कोरोना में इस अस्पताल ने कमाल कर दिया, जब राजस्थान के सैकड़ों लोगों की जान इस अस्पताल ने बचाई कोरोना के वक्त। तो ये धरती तो स्पेशल है। मैं भी आ रहा था जगह जगह सर्किल बन रहे, जगह जगह विकास हो रहा है, गाँव में सड़कें बन रही है, यहाँ पे नगर परिषद बनने जा रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 40 करोड़ का आयुर्वेद नेचुरोपैथी कॉलेज यहाँ पर था, यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज बन रहा है, 2.5 करोड़ की लाइब्रेरी बन रही है, 9 करोड़ का होम्योपैथी कॉलेज बन रहा है, 65 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आज मुझे पता चला कि जो तालाब बिल्कुल गंदा था उसको सरदार सरोवर बनाकर और वहां पर फाउंटेन लगा दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात। हर जगह मन में विश्वास था, चच्चा बच्चा का नया अस्पताल 33 करोड़ का बन रहा है, अगले महीने लोकार्पण हो जाएगा। मैं आपको बधाइयां इसलिए दे रहा हूँ, आप सबको पता है 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई, काम हो रहा है। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ना तेरा होगा ना मेरा होगा, मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरा हिंदुस्तान होगा, मेरा तिरंगा होगा। ये सोच हुई, ये सोच कांग्रेस ने जब देश की आजादी की लड़ाई शुरू की तब सोच थी महात्मा गांधी की, पंडित नेहरू की, शहीद भगत सिंह राजपूत, सुखदेव अशफाकुल्ला खान की। या झगड़ा इस बात का नहीं था कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, ईसाई हूं,